सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस GTA 5। और GTA 5 में गाइस आज हम लेस्टर से मिलने जाएंगे, क्योंकि भाई लेस्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें कुछ ना कोई प्लान बना कर दूंगा जिसकी वजह से तुम कुछ पैसे कमा पाओ। क्योंकि भाई माइकल दादा के ऊपर अभी एक बहुत बड़ा कर्ज है मार्टिन मद्रासो का। माइकल दादा ने भाई एक गलती की वजह से मार्टिन मद्रासो का पूरा घर गिरा दिया था, जो भाई हिल साइड के ऊपर था और जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और भाई मार्टिन मद्रासो बहुत बड़ा गैंगस्टर है लॉस सैंटोस का, और वो भाई फिर माइकल दादा के घर पर आया और पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी और माइकल दादा को बहुत ज्यादा मारा और कहा कि अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे उस घर के तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। तो जबी से भाई माइकल दादा कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई इतने जल्दी बहुत सारा पैसा वो कैसे लेकर कमा कर ला सकते हैं। तो भाई वो सही काम कर कर तो इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं कमा सकते हैं, तो इसलिए भाई वापस माइकल दादा को कुछ ना कुछ भाई गैंगस्टर वाले काम करने होंगे। क्योंकि भाई माइकल दादा ने भाई 9-10 साल पहले अपनी गैंगस्टर लाइफ को भाई छोड़ दिया था, लेकिन अभी उन्हें अपने गैंगस्टर वाले काम शायद दोबारा करने पड़े। इसलिए भाई वो लेस्टर के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कोई छोटी मोटी चोरी कर कर या कुछ एक बड़ा हाथ मार ले, एक बड़ी चोरी कर कर भाई इस चीज से, इस प्रॉब्लम से वो निकल पाए। सो अभी वो लेस्टर से मिलने के लिए इसीलिए जा रहे हैं। सो लेस्टर ने हमें लोकेशन दी थी और वहाँ पर चलते हैं सीधा। सो लेस्टर ने कहा था कि यहीं पर मिलने के लिए बुलाया था, शायद आगे चल के राइट साइड में ये कोई शायद फैक्ट्री वगैरह है, तो गाड़ी को हम यहाँ पर पार्क करते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और लेस्टर शायद इस फैक्ट्री के अंदर है। सो फैक्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा हमें, तो सीधा अंदर चलते हैं। तो भाई सीढ़ियों के ऊपर वो रहा लेस्टर। तो भाई ये गारमेंट फैक्ट्री है और वो रहा भाई लेस्टर का ऑफिस। सो ऑफिस के अंदर चलकर भाई लेस्टर से बात करते हैं। What do you got? The Holy Grail, the Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier, but I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. So, अभी भाई हमारे लेस्टर से बात हुई है और लेस्टर ने हमें पूछा कि तुम बैंक लूटना चाहोगे या स्टोर लूटना चाहोगे। तो भाई माइकल दादा ने कहा कि बैंक लूटना मुश्किल होता है और स्टोर लूटना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो हम कोई स्टोर लूटेंगे। और सो अभी लेस्टर ने कहा कि हम एक बेंजिनी का स्टोर है भाई ज्वेलरी का, जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी है, हम वो ज्वेलरी स्टोर लूटेंगे। और उस स्टोर को लूटने के लिए भाई हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और कुछ क्रू की भी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइकल दादा ने कहा था कि कोई पुराने लोग हैं, तो भाई लेस्टर ने कहा कि जो भी पुराने लोग थे वो सभी मारे जा चुके हैं या फिर कहीं पर छुप गए हैं। सो कोई भी पुराना क्रू नहीं है, हमें नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। अब सो नए लोगों के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा माइकल दादा के लिए। सीधा चलते हैं भाई उस लोकेशन पर जहाँ पर वो स्टोर है वेंजिली का, और वहाँ पर चलकर भाई कुछ ना कुछ देखते हैं कि हमें क्या कुछ करना है। सो गाइस हम आ चुके हैं उस लोकेशन पर। सो गाड़ी को हम यहाँ पर पार्क करते हैं। सो यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे है भाई वो वेंजिली का स्टोर, तो वहाँ पर हमें पैदल चल कर जाना पड़ेगा कि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। तो चलते हैं भाई पैदल वहाँ पर वेंजिली का स्टोर पर, थोड़ा रनिंग कर लेते हैं भाई। Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. So भाई जो लेस्टर है उसने कहा है कि तुम वेंटिलेटर्स, अलार्म और बाकी जितनी चीज़ों की तुम फोटो हमें भेज पाओ उनकी फ़ोटो भेज देना, जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छी प्लानिंग कर पाऊँ। सो वेंजिली का स्टोर सामने की साइड है भाई, उसका डोर वो रहा। तो भाई स्टोर में तो भाई यहाँ पर लोग तो मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, तो चोरी करना तो आसान ही होगा। तो अभी देखते हैं कि रहा वेंजिली का स्टोर। भाई ज्वेलरी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो अभी फोटोज खींचना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये रहा अलार्म सिस्टम और कैमरा, तो ये रहे कैमरा और ये रहा एयर वेंट और अलार्म। सो गाइस हमने सभी चीज़ों की फ़ोटो खींच ली है जिन जिन की हमें ज़रूरत थी, सो अभी इनसे बात करते हैं। I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. सो गाइस माइकल दादा ने बात की है उस लेडी से और पता चला है कि भाई जो यहाँ पर सोना है और जो गहने हैं भाई वो बिल्कुल प्योर सोने के और चांदी के हैं, और बाकी यहाँ पर जो भी छोटे मोटे हीरे हैं वो भी भाई बिल्कुल प्योर और अच्छी कैटेगरी के हैं। यानी यहाँ पर चोरी करेंगे तो भाई हमें काफ़ी सारे प्रॉफिट होने वाला है। सो ये चोरी भाई काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। सो अभी लेस्टर से चलकर पूछते हैं कि भाई वो क्या कुछ प्लान कर रहा है या उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत है प्लानिंग करने के लिए, तो हमें वो भी उसे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जल्द से जल्द चलते हैं अभी लेस्टर के पास। तो गाड़ी में बैठते हैं ड्राइवर ऑन द ब्लॉक एंड लुक फॉर अ वे अप टू द रूफ। सो लेस्टर कह रहा है कि दो बिल्डिंग दूर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर हमें इसके ऊपर जो ये छत है हमें इस स्टोर की छत की कुछ फोटोज़ की ज़रूरत है। तो भाई इसकी छत पर जाने के लिए हमें एक दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर। यहाँ पर गाड़ी को रोकते हैं और अभी चाहते हैं भाई उस स्टोर की टूप के ऊपर, तो यहाँ से कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। सो सीधा चलते हैं अंदर और शायद यहाँ पर कोई क्रू वगैरह भी नहीं है, लोग वगैरह भी नहीं है। सो हमें भाई यहाँ पर किसी की भी अटेंशन नहीं ग्रैब करनी है, यानी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं। ओके, यहाँ पर पीछे की साइड सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चलते हैं। तो भाई कीनिया 4 मंजिल ऊपर आए चाहिए शायद। हाँ वहाँ दूसरी साइड। अरे ये क्या भाई, नीचे उतरने लग गया, वापस चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आ गए हैं हम अभी रूफ के ऊपर, और अभी चलते हैं भाई दूसरी साइड। सो लेस्टर कह रहा है कि जहाँ से यहाँ पर एयर जाती है एयर कंडीशनर की, वहाँ पर मुझे एयर कंडीशनर की तुम फोटो खींच कर सेंड करो। सो भाई अभी हमें जाना होगा, यहाँ से ऊपर चढ़ना है शायद हमें। They only knew what a sick puppy they had on their hands. ये वो बहुत बड़ा एयर कंडीशनर है सामने की साइड। सो अभी हमें और ज़्यादा ऊँचे जाने की ज़रूरत है जहाँ से हम अच्छी तरीके से फोटो खींच पाएँ। तो यहाँ से हम शायद वहाँ पर ऊपर खड़े होकर फोटो खींच पाएंगे। इस साइड ऊपर चढ़ते हैं और एक लेवल और थोड़ा सा ऊपर और भाई अभी हम यहाँ से ठीक तरीके से फ़ोटो खींच पाएंगे। तो ये वो एयर सिस्टम है जिसकी हमें फ़ोटो चाहिए भाई। सो भाई हमने एयर सिस्टम की फ़ोटो भी खींच ली है, अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि किसी को पता चल गया कि हम यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, हम ज्वेलरी स्टोर पर घूम रहे हैं, तो भाई लोगों को शक होगा और वो पुलिस को बता देंगे, जिसकी वजह से भाई हमारा पूरा प्लान फेल हो सकता है। सो अभी यहाँ से जल्द निकलते हैं, और लेस्टर ने जो जो चीज़ें मांगी भाई हमने वो दे दी हैं। अब लेस्टर से चलकर बात करेंगे कि वो क्या कुछ प्लानिंग करने वाला है, उसके दिमाग में ऐसा क्या कुछ है जिसकी वजह से हम इस स्टोर को बहुत जल्दी और अच्छे से लूट पाएंगे, और हमें भाई कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, तो हम नए बंदों को हायर करेंगे इस स्टोरी के अंदर। सो अभी चलते हैं वापस जल्द से जल्द लेस्टर के पास, सीढ़ियाँ उतरते हैं। भाई सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क तो नहीं था ये। लेस्टर कह रहा है कि तुम जल्द से जल्द आओ, अगर तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हमारा प्लान है वो रिस्क में आ सकता है, जो हम यहाँ पर आए थे जिस चीज़ के लिए, तो वो तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें यहाँ से जल्द निकलना भी पड़ेगा। लेकिन हम फाइनली पहुँच चुके हैं अभी लेस्टर के पास, गाड़ी उठाते हैं और सीधा चलते हैं हम शायद गारमेंट फैक्ट्री के।
अभी चलते हैं भाई, अभी हम सीधा गारमेंट फैक्ट्री में, और भाई गारमेंट फैक्ट्री के अंदर ही भाई लेस्टर कुछ ना कुछ प्लानिंग करके हमें देने वाला है इस स्टोर को हम कैसे लूटेंगे। सो अभी चलते हैं सीधा गारमेंट स्टोर के अंदर। सो आ चुके हैं हम सीधा उसी गारमेंट फैक्ट्री में भाई। हम दोपहर में निकले थे और अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, और अभी चलते हैं भाई गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। सो भाई ये वो फोटो हैं जो हमने खींची थी, तो वो फोटो भाई इसने लेस्टर ने निकलवा ली है। भाई लेस्टर बहुत फास्ट काम कर रहा है अभी। सो अभी सुनते हैं भाई लेस्टर ने क्या कुछ प्लानिंग की है। Nice to see the methods haven't changed. Well, got to figure out what we're doing somehow. All the crews, the roles, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. Now, there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So guys, इस चीज को करने के चोरी को करने के दो तरीके हैं। हम इसे स्मार्ट तरीके से करें या भाई लाउड और डम तरीके से बेवकूफी किससे करें, तो हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। सो भाई अभी ये लोग हैं जिन्हें हमें सिलेक्ट करने हैं अपने साथ चोरी करने के लिए। So guys, जितने ज्यादा बेहतर लोग चुनेंगे उतना ज्यादा हमें उन्हें कट देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो हम थोड़े भाई अभी ज्यादा पैसे वाले लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़े कम स्किलफुल लोगों को अभी हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सो भाई हम इसको सिलेक्ट करते हैं। Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. गन चलाने वाला बंदा है, so ये 7% कट लेने वाला है, वो 14%, यानी दुगना कट का फर्क है भाई। So अभी हम इस Norm को लेने वाले हैं। Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Ricky. So भाई लाइफ इंटरमीटर में भाई इतना अच्छा हैकर तो नहीं है, लेकिन भाई काम चल जाएगा हमारा। 15%, 4%, तो हम 4% वाले इस हैकर को चुनने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि भाई 15% वाले को लेंगे तो बहुत ज़्यादा कट हो जाएगा, 4% वाला ठीक रहेगा, क्योंकि भाई ये टोटल चोरी का 4% कट लेगा, और वो 7% यानी 15% कट ये लेंगे, बाकी जो भी बचेगा भाई उसके हम भाई लेस्टर को भी हमें कुछ परसेंट देना पड़ेगा। लेकिन हमने लेस्टर का काम कर दिया तो लेस्टर शायद बाम से पैसे ना ले। और अभी भाई हमारा पूरी तरीके से प्लान है वो कंप्लीट हो चुका है। Great. I'll do some research on a pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes. Huh? Good. Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. So guys, बेहोशी की गैस भाई एयरवेंट के अंदर से हम डाल देंगे उस शॉप के अंदर, और भाई कैमरा को और बाकी जो अलार्म सिस्टम है उसको हैक कर लेंगे, जिसकी वजह से हम गैस मास्क लगाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी का भी नहीं पता चलेगा और हम आसानी से वहां पर चोरी कर लेंगे। सो गाइस प्लान तो हमने काफ़ी अच्छा बना लिया है, लेकिन भाई अभी फ्रैंकलिन से कॉल कर पूछते हैं कि भाई वो भी हमारा इस प्लान में साथ देगा या नहीं। Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, well, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something.
if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. So guys, Franklin से बात कर ली हमने. Franklin भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए तैयार हूँ. लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो नहीं मिलेगा. लेकिन मैं स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे साथ रेडी हूँ. Franklin भी तैयार हो गया है. लेकिन भाई हमें कुछ ना कुछ तैयारियाँ करनी पड़ेगी. हमें चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेंगी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले. सो गाइज, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना. और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चोरी करने वाले हैं उस वेंजेलिका स्टोर के अंदर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग.